मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DSD न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में और आपको बता दें आज मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस भवन में दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। आम लोगों के को यहां पे निमंत्रण दिया गया है और आ रहे हैं यहां पे दही चूड़ा खा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताएं आज मकर संक्रांति है, यहाँ पे काफ़ी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं, कुछ अलग दिख रहा आज कांग्रेस? देखिए, मैं बता दूँ, आज से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आज से शुभ दिन चालू हो जाता है और उस शुभ के समय में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उन्होंने इस प्रकार का तिलकुट चूड़ा और दही आप देख रहे हैं कि सबका आयोजन किया और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्योंकि आज के दिन से ही इस राज्य में या देश में शुभ कार्य को किया जाता है, उसी की आज शुरुआत हुई है। टुसू पर्व भी है जो गांव में हमारे बुंडू तमाड़ में देखेंगे बहुत इसकी महत्ता है और बहुत लोग मानते हैं। आज के पिट्ठा आपने नाम सुना होगा, पिट्ठा धुसका बनना चालू हो जाता है और शुभ कार्य जितने हैं चालू हो जाते हैं। तो आज के दिन में आपको और आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं या जो इनके बॉस हैं, सबको मैं शुभकामनाएँ दूँगा मकर संक्रांति की और टुसू पर्व की, कि आपका भी चैनल दिनों दिन जो विश्वास के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस दर्पण को आपने समाज के लिए आगे लाया है, सत्यता को लाने के लिए, उस पर आप हमेशा सफल हो, यही शुभकामनाएँ होगी हमारी। खरमास आज के बाद कल से एक नया दिन होगा, लोग शुभ काम करेंगे। अब इसमें बताएं जो गठबंधन की सरकार है वो शुभ काम कब कर रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, नए मंत्री को कैसे लोग अब देखेंगे, कब ये सब होगा? निश्चित तौर पे आपका सवाल लाजमी है और हम लोग भी इसी की प्रतीक्षा में थे। आपको एक दो दिनों के अंदर में जो हमारे नए मंत्री होंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा वो आप सबों के सामने चला आएगा और इस शुभ दिन पे शुभ कार्य को करने के लिए हमारे मंत्री भी इस राज्य की जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जन की जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ती रही है और अब तो सरकार में है, उनको कार्य करना है, कार्य करके यहाँ के लोगों का दिल जीतना है और आज के दिन में पूरे राज्य की जनता को आपके इस वेब चैनल के मार्फत मकर संक्रांति और टुसू पर्व की शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव जी, उन्होंने यह आरोप लगाया इरफान अंसारी पे कि वो जो हैं वो बांग्लादेश, इरफान अंसारी जो हैं वो बांग्लादेश घुसपैठियों के प्रवक्ता हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको अब बहुत ही ये से लेने की आवश्यकता नहीं है इस राज्य में, क्योंकि उनकी झूठ पकड़ी गई थी पिछले 5 वर्षों में और जनता ने उनको नकार दिया। अब उनके पास सिर्फ और भाजपा के पास एक ही चीज़ बची हुई है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अपनी राजनीति की रोटी सेकें। तो आज के शुभ बेला में मैं उनको, जो उनके प्रवक्ता है जिन्होंने ऐसा बोला है कि जिनकी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी इसी राज्य की इसी मिट्टी के रहे हैं और झारखंड के रहे हैं, झारखंडी रहे हैं, उन पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा करके वो खुद अपने मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो इनकी नीतियाँ रही हैं पूरे देश में वो डिवाइड करके रूल करने का, वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का होता है, किसी एक दल का नहीं होता। ये तो आज बोल रहे हैं उनके मुंह से, उनको बहुत बधाई देता हूं, नहीं तो वो लोग बोलते थे भाजपा के ये प्रधानमंत्री है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं भी भारतीय हूं और अपने प्रधानमंत्री को मैं प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता, भाजपा वाले बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य था। कैसे भगवान ने उनको सुदबुद्धि दिया है कि इस शब्द को यूज किया कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होता है, मगर जिस प्रकार चुनाव प्रचार में उनकी शैली रहती है वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट रहती है और उनका जो नीतियाँ हैं जो आप देखेंगे कि एकदम बास्ट होकर कार्य करने का, वैसा देश का प्रधानमंत्री तो कभी मैंने देखा नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के लिए रांची से।